अब हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले ये मान के चलते हैं आपको केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता है। हर वो लड़का को आ सकता है केमिस्ट्री जो सीखना चाहता है, नौटंकी बाज आदमी को कभी नहीं आएगा। जो पढ़ा रहे हैं उसको घर से जाके पढ़िएगा। कोई पढ़ने में तेज और कमजोर नहीं होता है। जो तेज होते हैं ज्यादा समय देते हैं, जो कमजोर होते हैं निठल्ले टाइप के, वो टाइम पास ज्यादा करते हैं। कोनो चीज को दिखाइएगा तो उसमें कमी लगेगा उसको। किताब खोल के चार बार पलटेगा, टाइम टेबल खूब बनाएगा, ऐसा बकलोलन से थोड़ा सा दूर रहिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर तो आपको शीशा से दूर रहना पड़ेगा। नहीं समझा? क्या समझे लोग? शीशा से दूर रहना है। नहीं जा, आप लोग समझ गए? एक से एक बगलोल है लोग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करें। बिहार पुलिस का बैच, बिहार पुलिस का बैच मंगलवार को आ जाएगा, ठीक है? बिहार पुलिस वाला जो बैच है वो मंगलवार को आएगा। उस रहा उसमें सब पढ़ना पड़ता है, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट किया जाए, रेडी हैं आप लोग? तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान, इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। इसके जनक किसे कहा जाता है? लेवेसियर को। केमिस्ट्री के जनक लेवेसियर को कहा जाता है। लेवेसियर ने केमिस्ट्री में बहुत सारा सिद्धांत दिया था। जोसेफ प्रिस्टले ने जब ऑक्सीजन की खोज किया था और उन्होंने कहा था कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति कोई भी चीज को जलाया नहीं जा सकता है, तो लेवेसियर ने ही इसकी सत्यता किया था। तो केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाएगा? लेवेसियर। केमिस्ट्री के जनक लेवेसियर। भारतीय रसायन शास्त्र के जनक पीसी राय, प्रफुल्ल राय। भारतीय रसायन के जनक पीसी राय, भारतीय रसायन के जनक पीसी राय, पीसी राय रसायन शास्त्र के जनक लेवेसियर। जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के जल सकता है। बाकी सारे पदार्थों को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। जर्कोनियम बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जल सकता है। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले। किसने किया? प्रिस्टले। रसायन शास्त्र के जनक लेवेसियर। रसायन शास्त्र के जनक लेवेसियर। कौन है? लेवेसियर। और भारतीय रसायन शास्त्र के जनक पीसी राय। पीसी राय। विज्ञान का विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान रसायन शास्त्र। हर विज्ञान में ये चला आता है विज्ञान। बायोलॉजी पढ़िएगा ना, बिना केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर भले इलाज करता है लेकिन जो दवाइयां लगाता है वो केमिस्ट्री देता है। डॉक्टर भले बायोलॉजी से पढ़ लीजिए, बीपी का, शुगर का, कोनो दवाई देगा किसमें आ जाएगा? केमिस्ट्री से। किसमें आएगा? केमिस्ट्री। फिजिक्स आप पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए। फिजिक्स का सबसे बड़ा चीज इलेक्ट्रिसिटी, उसमें है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आता है केमिस्ट्री से। कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी ज्ञान पीजिएगा, उसमें स्टार्टिंग क्यों कर देगा केमिस्ट्री? क्योंकि दुनिया का कुछ भी चीज पढ़िएगा तो एटम से बनाया हुआ, एटम जो चल जाता है वो किसमें चला जाता है? केमिस्ट्री में। इसलिए विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है केमिस्ट्री। प्रिस्टले ने किसका खोज किया था? ऑक्सीजन का। और कहा था कि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जल नहीं सकता, लेकिन जर्कोनियम बिना ऑक्सीजन के भी जल सकता है। जर्कोनियम बिना ऑक्सीजन के जल सकता है। तो केमिस्ट्री में हम पदार्थ और उसके अंदर के गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थ तथा उसे गुणों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पदार्थ और उसके गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े तो हम देखते हैं पदार्थ कितने टाइप के होते हैं। पदार्थ दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेर सकता है जिसमें द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। कोई भी चीज जो जगह घेर ले जिसमें द्रव्यमान हो जाता है उसे क्या कहेंगे? पदार्थ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केमिस्ट्री के जनक। आगे बढ़े, नाइट्रेट के जनक, भारतीय नाइट्रेट के जनक पीसी राय को ही कहा जाता है। नाइट्रेट विज्ञान के जनक पीसी राय को। भारत में नाइट्रेट का बहुत बड़ा रिसर्च किया था इन्होंने, पीसी राय ने, इसलिए भारतीय रसायन शास्त्र का भी जनक कहा जाता है। ये सब कभी कभार पहले सवाल इस टाइप के आते थे सब, कि फलाना चीज का खोज कौन किया? भारतीय रसायन। अब गया जमाना, अब ये सब स्टैंडर्ड अब बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन लड़का अभी भी वही पढ़ रहा है। स्पेशली बिहार में, बिहार में और पटना वगैरह में जो टीचर को आता है वही पढ़ाएगा। क्या एग्जाम का अपडेशन है क्या जरूर ना? अगर हमको बायोलॉजी इतना आ रहा है ना, पूरे ये बिहार की समस्या बता रहे हैं, अगर बायोलॉजी इतना आ रहा है ना, इतने पढ़ाएंगे हम, इतना बायोलॉजी पढ़ा देंगे, भले बायोलॉजी में से तीन को क्वेश्चन आए। क्या समझदारी है ये?
अजीब बेवकूफ वाला काम करता है सब। और ये अच्छा लड़के भी ना हिंदी मीडियम और स्पेशली यूपी बिहार के लड़के वो एग्जाम और सिलेबस नहीं देखते हैं, टीचर की विद्वता देखते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम बहुत बार चीजों को स्पष्टीकरण से छोड़ देते हैं कि ये मत पढ़ बाबू यहाँ से, लेकिन ना और पढ़ तो। इंग्लिश मीडियम के लड़कों को ये नहीं करना पड़ता। यूपीएससी बैच में इंग्लिश मीडियम के लड़कों को का एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए ये करना है, वो चुपचाप कर लेते हैं। और ये ज्यादा नौटंकी करते हैं, खखोरन ज्यादा होता है यहाँ पर। तो जो दुनिया का जो भी पदार्थ है उसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक उसे भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। किस आधार पर? रासायनिक आधार पर। रासायनिक, अरे सोचा लिखा जो, रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार, फिजिकल कंडीशन और केमिकल कंडीशन। भौतिक आधार किसे कहते हैं? जिसे हम छू सकते हैं उसे भौतिक आधार कह सकते हैं। समझ में गया? जैसे किसी को हुमच के मार दीजिए तो हो गया भौतिक चोट दिए आपको, फिजिकल डैमेज। आ किसी को ना जहर का इंजेक्शन लगा दीजिए तो उसे रासायनिक डैमेज दिए हैं। कौन सा है? रासायनिक डैमेज। क्या होता है वो? रासायनिक क्षति पहुंचाया। सांड़ मारता है आपको ना, सांड़ मार देता है तो क्या चोट दे आप? भौतिक। और सांप काटता है, रासायनिक। बिच्छू हाँ? लड़की जब बाल नोच लेती है सब हाँ? बहुत ही समझ आ गया नहीं? लड़का मार के कपार फाड़ दिया, बहुत ही छोटका सब उसका कचकचा के दांत काट लेता है सब। छोटका लड़का को घुसिएगा ना, पहले दो चार बार टॉर्चर करेगा, ऐसे ऐसे बर्दाश्त करेगा, ना होगा ना दांते काट ले तो दांत काट लिया तो बहुत ही। उसमें दांत से अगर जहर छोड़ दिया तो तुम लोग काहे बोल रहा है? आगे बढ़े नहीं देखते नागिन उगिन रहती है, दांत से क्या छोड़ देते हैं? विषकन्या। तो रासायनिक और भौतिक में अंतर समझ में आ गया? फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल और रासायनिक और भौतिक। और एक खैर एक तो मनोवैज्ञानिक भी होता है, जैसे आपको कोई गरिया दिया तो ना भौतिक चोट दिया ना रासायनिक, लेकिन आपको क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक चोट दिया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या चोट दे दिया? मनोवैज्ञानिक चोट दे दिया, तो वो अलग चीज हो जाता है। तो ये सब चीज तो अलग हो जाते हैं सर। आप खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते हैं तो खानवा को जो कूचते हैं कौन सा? बहुत ही। लेकिन उसमें जो लार जो मिलाते हैं, थूक मिलाते हैं, वो रासायनिक। तो मुहुआ में होता है भौतिक और रासायनिक, और जब पेटवा में गया तो केवल रासायनिक, पेट में गया तो केवल। तो भौतिक आधार मतलब बाहर से कैसा लगता है। तो कोई भी चीज बाहर से तीन चार टाइप की दिख सकती है, पांच टाइप की, चार नहीं जी पांच। ठोस, ठोस को हम कहते हैं सॉलिड, द्रव लिक्विड कहते हैं, गैस, गैस को कैसे गैस है, प्लाज्मा। क्या हो गया? प्लाज्मा। और दूसरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं, इसमें तो रिसर्च ही हो रहा है अभी। गॉड पार्टिकल इसी को बोलते हैं। हिब्स बोसान जो था 2012 में जो जनेवा में एक रिसर्च हो रहा था गॉड पार्टिकल टकरा के, तो अभी गॉड पार्टिकल इसी को हिब्स बोसान, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अभी ये रिसर्च के अंडर में है। आप लोग को नहीं दिखेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। सॉलिड यानी ठोस को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? सॉलिड। अद्रव को लिक्विड, और गैस को गैस, प्लाज्मा को प्लाज्मा, प्लाज्मा को प्लाज्मा। सॉलिड आप सबको पता है जो अपना अपना आकार नहीं बदलता है, आप उसको गिरा पड़ा दीजिएगा तो उसी टाइप का रहेगा, कभी उसका आकार नहीं बदलेगा। तो सॉलिड जो चीजें होती हैं उसका आकार कभी भी नहीं बदलता है। जैसे ये पानी बोतल है, तो पानी बोतल सॉलिड है, इसको जिस भी डायरेक्शन में रखेंगे तो पानी का बोतल का आकार नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर पानी जो है वो लिक्विड है। अगर गोल बर्तन में रखेंगे ससुरा गोल, चपटा में रखेंगे चपटा, जमीन पे फैला देंगे पसर जाएगा इसे हम। तो आकार निश्चित होता है ठोस, आकार अनिश्चित, और गैस का भी अनिश्चित। गोल सिलेंडर में तो गोल, फायर ब्रिगेड के सिलेंडर में तो पतला, जैसे में रखेंगे वैसा इसका क्या हो जाता है? आकार हो जाता है। तो ठोस, द्रव और गैस, इसका आकार क्या होता है? निश्चित। इसका आकार, इसका आकार अगर ये एक किलो है तो एक के किलो रहेगा,
एक किलो है तो एक के किलो रहेगा, ये एक लीटर है तो एक के लीटर रहेगा। इस ससुरा अगर एक लीटर है और इसको पांच लीटर के बोतल में भरिएगा तो इस ससुरा ये नहीं कहेगा कि हम एक लीटर है एक के लीटर बराबर जगह घेरे बाकी जगह या छोड़ दे, ये खचरा सब में पसर जाएगा, यहाँ पर कहेगा पूरा पांच लीटर हमरे हो लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे ज्यादा जगह कौन घेरता है? अगर मान के चलिए कोई बर्तन है, यहाँ देखो लड़की सब लिखो नहीं, पीडीएफ इस सब का मिलेगा आप लोग को, एगो तो अपने तुम लोग को होम साइंस ले ले रहती है सब, ओपे से लिखले पे भागल रहती है सब, कहीं ना कहीं लिखते रहती है। हाँ अब मान के चलिए ये बर्तन है, ये पांच पांच लीटर का बर्तन है, ठीक है, पांच लीटर का गैलन है। अगर हम इसमें एक केजी बटखरा रख देते हैं, एक केजी लोहे का बटखरा रखते हैं, इस ससुरा एक के कीजिए जगह लेगा बाकी सबको खाली छोड़ देगा कि नहीं? चलिए तो सॉलिड का मतलब है जितना जरूरत है उतने आयतन यानी उतना ही वॉल्यूम लेगा बाकी छोड़ देगा। अब द्रव की बात करते हैं, इसमें एक लीटर हम मान के चलिए लिक्विड भर देते हैं, कितना लीटर भरते हैं? एक लीटर। तो द्रव की खासियत जितना उसका आयतन है एक लीटर, इस ससुरा एक के लीटर जगह लेगा बाकी ऊपर खाली छोड़ देगा। लेकिन सबसे खचरा कौन होता है? गैस। कहता है सब हमार हो लो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब हमारा है, यहीं में पूरा घुस जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका आयतन फिक्स नहीं होता और आकार भी फिक्स नहीं होता। इसका आकार फिक्स नहीं होता लेकिन आयतन तो फिक्स होता है कि भैया दो लीटर का है तो दुए लीटर में तो जगह छोड़ेगा, बाकी इंसानियत है इसके अंदर दूसरे के लिए खाली जगह छोड़ देगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और इसका आयतन और आकार दोनों फिक्स, इसका आकार फिक्स नहीं, आयतन ना ससुरा का आकार फिक्स ना आयतन फिक्स। इसके कण बहुत खचड़े होते हैं, गति करते रहते हैं इधर उधर गति कर, इसके कण धीमी गति करते हैं, सॉलिड के कण गति नहीं करते। समझ में आ गया? सबसे कम गति कौन करेगा? सॉलिड। सॉलिड भी कंपन हल्का हल्का करता है, सबसे कम गति इसलिए ये फिक्स एक जगह रहते हैं, उससे ज्यादा गति द्रव, इसलिए द्रव को देखिएगा हिल डुल करते रहता है। और सबसे खचरा गैस, सबसे ज्यादा गति गैस, दो कणों के बीच में सबसे ज्यादा गैप गैस, कणों के बीच में कम गैप द्रव, एकदम मजबूती से पकड़ लिया ठोस। तो बताइए ठोस द्रव और गैस में सबसे मजबूती से पकड़ा होता, इसके कण लूज होते हैं द्रव, और कण दूर दूर होते हैं गैस, आकार फिक्स होता है ठोस, ठोस का आयतन भी फिक्स होता है ठोस, आकार फिक्स नहीं होता है लेकिन आयतन फिक्स होता है द्रव, आकार आयतन दोनों अनिश्चित। दोनों कणों के बीच जो अंतरा आणविक गैप है वो सबसे ज्यादा और सबसे कम ठोस, एक कण एक दूसरे को सबसे मजबूती से पकड़े रहते हैं और सबसे कमजोर पकड़े रहते हैं गैस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खुले में छोड़ेंगे तो सबसे तेज बिखरेंगे गैस और नहीं बिखरेगा ठोस। ये तीन अवस्था तो निपटा दिए आप लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ठोस, द्रव और गैस। आगे बढ़े ना, ठोस दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टली होगा या फिर एमॉर्फस होगा, या तो क्रिस्टली होगा या एमॉर्फस, अक्रिस्टली या क्रिस्टली, आगे इसको समझाएंगे क्रिस्टली और अक्रिस्टली, जब संरचना पढ़ेंगे तब sp3 संकरण वगैरह आगे जाएंगे। क्रिस्टल का मतलब होता है कि एक फिक्स आकृति होनी चाहिए, चाहे तेज टाढ़ हो चाहे कैसे भी हो लेकिन एक फिक्स डिजाइन होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टली। जैसे चीनी का दाना क्रिस्टली होता है, फिक्स उसका आकार होता है, चीनी कैसा है? फिक्स आकार है उसका, एकदम फिक्स है कि चीनी किस है। नमक क्रिस्टलीय है, हीरा क्रिस्टलीय है, हीरा कैसा है? क्रिस्टलीय है। तो जो चीज का आकार फिक्स हो गया वो क्या होता है? क्रिस्टल। चाहे जैसा आकार हो, टेढ़ टाढ़ कैसा भी हो लेकिन आकार कैसा होना चाहिए? फिर तो जिसकी संरचना एकदम फिक्स होती है उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल। जिसकी संरचना ही फिक्स ना हो, रबड़ की कोई संरचना देखें, उसकी कोई फिक्स नहीं होती है, यहाँ पर उसकी संरचना फिक्स नहीं होती, अगर उसको मिटाने वाला रबड़ बनाया तोड़ेंगे तो दूसरा टाइप का हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्रिस्टली वो नहीं होता है, प्लास्टिक अक्रिस्टली होता है, प्लास्टिक कैसा होता है? अक्रिस्टली होता है, प्लास्टिक अक्रिस्टल। तो ठोस दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, क्रिस्टली और अक्रिस्टल। क्रिस्टलीय को अंग्रेजी में कहते हैं, सॉरी हिंदी में भी क्रिस्टलीय कहते हैं, अक्रिस्टलीय को एमॉर्फस कहते हैं। क्या कहेंगे? एमॉर्फस कहते हैं। आगे बढ़े बाबू, अब आगे देखते हैं
प्लाज्मा को, प्लाज्मा बहुत हाई टेम्परेचर को कहते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तो उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा में ना ठोस गल जाता है, जैसे लोहा को जब लोहार लाल कर देता है ना एकदम लाल, और लाल करने के बाद पिघला देता है, तो वही क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ज्वालामुखी से निकलता है जो लावा क्या है, प्लाज्मा। लोहा पिघला देते हैं, प्लाज्मा। सोनार पहले सोना को क्या बना देता है, प्लाज्मा। गला ओला के क्या बना देता है, प्लाज्मा। उसके बाद जो भी बनाना है आप उसको, टांगी हथौड़ी जो बनवाना है बनाइए आप, मेकअप वेकअप का जो भी सामान बनता है वो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किस चीज का, सोना का। सोना लोहा से भारी होता है, सेम डिजाइन का अगर सोना रखे और सेम डिजाइन का लोहा रखे तो ज्यादा भारी कौन होता है, सोना भारी होता है। यहाँ पे जब आप घनत्व पढ़िएगा तब हम आपको बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति मतलब सेम डिजाइन का प्लेट सोना का है और सेम डिजाइन का प्लेट लोहा का है तो ज्यादा भारी कौन होगा, सोना, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, ज्यादा घनत्व, ज्यादा। उसको जान बूझ के देखिएगा, सोना का जब डिजाइन बनाया जाता है तो निचवा से कोच कोच के ऊपर पचका फुला दिया जाता है ताकि भड़कदार लगे वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो सोना काफी महंगा मिलता है। हाँ सोना, सुनार है आप, सुनार लोग होंगे, कौन है सुनार, उसे उसे परिचय बनाए रखो लो, फ्यूचर में उसी से खरीदना, मिला उला के कम देना जी। हाँ लेकिन सुनार लोग की अपनी कला होती है, उन लोग का आइडिया ज्यादा होता है। सोना में मिलाना भी मजबूरी है, 24 कैरेट पे तो होगा ही नहीं, 22 से ठीक हो जाता है। तुम 14 मिला देते हो, नहीं नहीं जी इतना नहीं मिलाता। आगे बढ़ जाए तो भारत में तो भाई सोना चांदी का बहुत बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे महिला सबको सोना से बहुत ज्यादा लगाव होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मान के चलो उसका सोना कोई सामान गायब हो गया तो एकदम अजीब, उसका पति गायब है तो क्या, अरे आ जाएगा सोना गायब, सोना, अरे बाप रे बाप सोना, पता है पति कहाँ जाएगा। हाँ उसको भी पता रहता है कितना देर के लिए गया है, क्योंकि उसको पता है कि कितना टॉर्चर किए हैं, उसको पता है कि गाड़ी में कितना चाबी दिए हैं, कितना आगे जाएगा। नहीं समझा, तीर आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़की लोगों को भी बताते हैं, लड़कों की एक मेंटेलिटी होती है, आप लोग इसको केमिस्ट्री के साथ साथ ईवी केमिस्ट्री मतलब एक तरह का व्यवहार ही है, उसको अगर कोई मेंटली बार बार अगर जितना बार बोलेगा ना हर बार उसकी वैल्यू वो गिरा देता है। दोस्तों में भी ना अगर इसको कोई दोस्त एक बार बोल दिया ना, ए तोरा कुछ नहीं आता है, बाद में फिर उससे भले दोस्ती हो जाए लेकिन उसके माइंड में वो रह जाएगा, बार बार टोकता है, बार बार टोकता है। तो याद रखिएगा, 100 बार बोलिएगा 100 गुना नीचे घिटा देगा, कम बोलिएगा ठीक ठाक वैल्यू रखेगा, 10 लोगों से कहेगा भैया हमारा दिक्कत नहीं होता है, बहुत समझती है। लेकिन आप लोगों को गलत सिलेबस पढ़ा दिया गया, लड़का लोग बता हम गलत बोल रहे हैं, सुन लो, नोट करके लिख लो, नोट करके, नोट कर लिया। ये भारत में इसको भले लोग कहेंगे कि क्या चीज है, लेकिन एक चपरासी की नौकरी के लिए भी आपको 3 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लेकिन जिसके साथ जीवन बिताना है उसके लिए 3 दिन का भी ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, ना ही कोई एजुकेशन, सब लड़का लड़की का शारीरिक बनावट अलग है ना, तो मानसिक सोचने की क्षमता भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है दोनों की, वो अलग डिफरेंट सोचते हैं, तो उसका भी एक बैच अलग रहना चाहिए। समझ, आप लोग ठीक ठाक से रहिएगा, टॉर्चर बोलना है जी, नहीं एक दो बार गलती हो जाए छोड़ दीजिएगा, समझ आ गया, बोलने से ज्यादा एकदम इसको एकदम, समझ आ गया कि नहीं आ गया। सर इसका भी PDF दीजिए, देखो गधा, इस शादी शुदा होगा, ये पक्का शादी शुदा होगा। बेचारा टेंशन में रहता है सर, कभी इस सब चीज में नहीं रहेगा। आप लोग अच्छा से रहिएगा, लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया, और तुम लोग भी बकलोलवा सब आगे बढ़े। सबसे गर्म अवस्था कौन होती है, प्लाज्मा। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अभी इस पे रिसर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, इस पे गॉड पार्टिकल वगैरह की खोज हो रही है। इसको हटा दे, अब मिटा सकते हैं ना इसको, तो भौतिक अवस्था के आधार पर, क्योंकि हमको मेन तो उधर से ही पढ़ना है, तो फिजिकल टॉर्चर का मतलब समझते हैं ना, मार और दिया, कुछ कच दिया है, यहाँ पे किसी के ऊपर एसिड अटैक कर देता है, फिजिकल टॉर्चर है। फिजिकल भले है लेकिन है वो रासायनिक क्रिया, कौन सी क्रिया, रासायनिक क्रिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़े, रासायनिक क्रिया आगे देखते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम बहुत रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर किसी भी चीज को 3 भाग में बांट सकते हैं, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है मिश्रण।
तत्व यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। यही पढ़ना है पूरे केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री बीत जाएगी यही तीन चीज पढ़ते में, चौथा कुछ अभी नहीं करेगा, इसी में पूरी जीवन बीत जाएगी, पूरी केमिस्ट्री इससे में ये है। यहाँ पर तत्व को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट, क्या कहेंगे? एलिमेंट। कितने लोग सीबीएसई वाले हैं इसमें? आप लोग बहुत कम है सर। कंपाउंड कहते हैं, क्या कहेंगे? कंपाउंड। इसे मिक्सचर कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? मिक्सचर, मिक्सचर कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब समझते हैं पहले हम क्या चीज, तत्व। चलिए इधर देखो ध्यान से, तत्व तो किसे कहते हैं? ध्यान से समझिए, तत्व तो यौगिक और मिश्रण में अंतर समझिए ध्यान से। तत्व तो की सिंपल सी बात है, वो एक ही परमाणु से बना होता है। किससे बना होता है? एक ही। ये सबके दिमाग से चल गया होगा, और जिसको समझ में आ गया सब झूठ बोल रहा है, सब किसी को ये समझ में नहीं आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लड़की सब चैन की सांस ली से, ओहो पकड़ो ले जाओ यहाँ। कौन सी समझ में आया तुरा? तत्व तो एक ही जैसे परमाणु से बना होता है, अर्थात तत्व को तोड़ते जाइएगा तो उसमें दूसरा कोई भी चीज मिलने वाला नहीं है। जैसे सोना, इतना बड़ा सोना हो चाहे इतना छोटा सोना हो, चाहे छोटा से छोटा करते जाइए, चाहे आप नाक में रखिए, चाहे ये जाए को काटी टाइप का ठोक लेती है, वो सब कुछ भी लीजिए, लेकिन उसके अंदर केवल क्या रहेगा? सोना। क्या रहेगा? सोना। लोहा के अंदर दूसरा कुछ रहता है? नहीं। क्या रहेगा? लोहा। तांबा के अंदर? तांबा। यानी तांबा छोटे छोटे, देखिए हम लोहा का जो टुकड़ा लिए है ना, इसके सबसे छोटे टुकड़ा को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। तो पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा क्या हो जाता है? परमाणु। क्या कहलाएगा? परमाणु। तो एक ही जैसे परमाणु से बना होता है लोहा। लोहा किस परमाणु से? लोहा के परमाणु से। सोना? सोना के परमाणु से। तांबा? तांबा के परमाणु से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन जब दो को आपस में मिला दिया जाता है, समझ में आया? जैसे तांबा और अल्मोनियम को मिला दीजिए, तांबा और अल्मोनियम को मिला दीजिए, पीतल उतल बना दीजिए, तो पीतल के अंदर दूसरे दूसरे चीज क्या होते हैं? मिले हुए रहते हैं। स्टील के अंदर कार्बन और लोहा क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। तो मिलावट अगर नहीं है, मिलावट अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा? तत्व। क्या कहलाएगा? तत्व। मिलावट नहीं तो तत्व। ऑक्सीजन तत्व, उसमें कौन सी का मिलावट रहता है? समझ में आ गया? नाइट्रोजन तत्व, नाइट्रोजन, कार्बन तत्व। कार्बन क्या होता है? तत्व। तो तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसमें दूसरे किसी की मिलावट नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो तत्व पहचान लेंगे आप लोग। सोना क्या है? तत्व को पीरियडिक टेबल में रखा जाता है। किसमें रखते हैं? पीरियड। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पूरा याद करते रहिएगा। वही क्या है? सब तत्व तो है। सब कितने हैं? सब तत्व। 118 याद रखिएगा आप लोग। क्या मिलेगा आपको? तत्व। तो इसमें बहुत सारे के बारे में अभी भी खोज होना बाकी है। तो तत्व तो को देखने के लिए एक अलग से टेबल बनाया गया, इसका नाम क्या है? पीरियोडिक। इन्हीं तत्वों को आपस में मिलाते रहिएगा। सोडियम क्या है? तत्व। क्लोरीन क्या है? तत्व। सोडियम पाउडर की तरह होता है, मतलब ठोस ईंटा टाइप का होता है, ढेला टाइप का। सोडियम कैसा होता है? ढेला टाइप का। और उसको क्लोरीन गैस सुंघा दीजिए, सुंग सुंग सुंग, तो उसका रंग में बदल जाता है और ढेला टाइप से सफेद रंग का हो जाता है, और उसी को कहते हैं NaCl, नमक की तौर पे खा जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे सोडियम जो होता है ना, उससे बहुत खतरनाक होता है, वहां पे पानी में डालेंगे क्या कर जाता है? विस्फोटक हो जाता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? तो तत्व तो क्या होते हैं? एक ही परमाणु से मिलकर बने होते। लोहा क्या है? लोहा, सोना, चांदी, रोल गोल्ड। मिलावट आया तत्व तो नहीं, मिलावट आया तत्व तो नहीं रहेगा, उसमें मिलावट हो जाएगा। जैसे देखिए हाइड्रोजन क्या है? तत्व। ऑक्सीजन, लेकिन जैसे मिला देंगे H2O, ये तत्व तो नहीं है, तत्व तो नहीं है। पानी बन गया तत्व तो नहीं है। सोडियम क्या है? तत्व। सोडियम तो, क्लोरीन तो, लेकिन NaCl मिलने के बाद ये तत्व तो नहीं है। अब ये तत्व तो नहीं है। तो तत्व तो कब होता है? अकेले रहता है। क्या रहता है? अकेले। क्या होता है? अकेले रहता है, तो क्या कहलाता है? तत्व। और आपस में मिल गया तो यौगिक। सोडियम क्या है? तत्व। क्लोरीन तत्व।
अब मिल गया तो एनएसयू, ये क्या है योगी, ये क्या है योगी, तो तत्व मिल के क्या बनाते हैं योगी, तत्व मिल के योगी, यौगिक का कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, अगर फॉर्मूला नहीं तो वो यौगिक नहीं है। पक्का दुनिया का जितना चीज का फॉर्मूला है वो क्या है यौगिक, भले आप उसे जानते हैं या नहीं जानते। ऐसा मत सोचिएगा जिसका फॉर्मूला आपको याद नहीं है वो तत्व यौगिक नहीं है, आपको याद नहीं है तो इसका मतलब कौन चीज समझ। आप जैसे मान के चले किसी को फिटकरी का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, फिटकरी का फॉर्मूला अच्छा नहीं याद आ रहा है तो ये तत्व यौगिक नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो यौगिक नहीं हो जाएगा। हाइड्रोजन बोलिए तब, ऑक्सीजन, लेकिन अगर पानी बना दें हाँ यौगिक, क्या हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चांदी क्या है तत्व, ब्रोमीन क्या है तत्व, और सिल्वर ब्रोमाइड AgBr क्या हो गया यौगिक, क्या हो गया यौ। शीशा के पीछे देखिएगा वो पेंट किया रहता है, उसमें एशियन पेंट हैं तेन मारेंगे तो चिपक भी नहीं करेगा, क्या मिलाता है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो जिसका फॉर्मूला बन गया वो यौगी, अब फॉर्मूला नहीं बना वो तत्व। सिंगल 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 बन, मिला दिया तो, मिला दिया तो सिंगल सिंगल लोहा बताओ हाँ, पानी योगी, पानी समझना क्या। एक लड़का कह रहा था सर आप बता रहे हैं कि पानी यौगिक है लेकिन हमको तो बताया गया कि पानी तत्व है, तो क्या दिक्कत है, गलत बताया गया है। देखिए उसने एक दोहा सुनाया, क्षिति जल पावस गगन समीरा पंच तत्व से बना समी, तो वो तत्व अलग है, मतलब वो पदार्थ की बात कर रहा है वहां पर, ना हवा तत्व है, ना मिट्टी तत्व है, ना वायु तत्व है, कोई उसमें तत्व नहीं है, लेकिन उसने पकड़ लिया जल को। वो कहावत मतलब कहने का मतलब इन पांच पदार्थों से मिलकर बना है। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो पदार्थ बोलिए ना, जब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये यौगिक है कि तत्व है क्या है तो सीधे क्या बोल दीजिए पदार्थ, आप लोग क्या है पदार्थ, आप लोग क्या है पदार्थ, तत्व है गधा कहीं का। आगे बढ़े, तो अगर फॉर्मूला है तो क्या है वो यौगिक, अकेले अकेले है तो। लेकिन एक चीज तो पता चल गया कि अगर अकेले नहीं है अब फॉर्मूला भी नहीं है, जैसे वायु, हवा का कोई फॉर्मूला है, हवा का कोई फॉर्मूला ही नहीं है तो क्या हो जाएगा मिश्रण, दूध हाँ मिश्रण, खून कोई फॉर्मूला होता है खून का। देखिए फॉर्मूला ना होने से एक चीज गड़बड़ा जाता है, फॉर्मूला नहीं होता है तो बना ही नहीं पाएंगे लोग, अगर फॉर्मूला रहता तो कब का बना के निपटा देते लोग, खून का फॉर्मूला रहता ना कब का बना के दवाई पैकेट में देता सर, फांक लो खून फांक लो, समझ में आ गया कि नहीं। फॉर्मूला नहीं है इसलिए नहीं बना पाता, दूध का फॉर्मूला ही नहीं है नहीं बना पाता है आप, समझ में आ गया कि नहीं। पाउडर वाला सुखा के बनाया जाता है जी, उसका बहुत जटिल प्रोसेस होता है, ऐसा थोड़े है कि ये पाउडर वा पोत देगा यहाँ पे, उसी को क्या किया जाता है सुखा के बनाया जाता है, महंगा दूध वही होता है, नहीं तो बाकी कुछ कुछ सस्ता हवा उठा ली जाइएगा तो केमिकल वेमिकल लगा देता है। छोटे बच्चे दूध जो दूध पीते हैं तो उनका ना नंबर होता है, 6 महीना में आई वाला, 1 साल में आई वाला, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो उसमें क्या है कि डॉक्टर जो बनाने वाली कंपनी है वो डिसाइड करती है कि किस मंथ में किस न्यूट्रिशन की जितनी जरूरत है वो उसमें मिला देती है, और छोटका लड़का होता है ना वो डिबोआ पहचान जाता है, और उसको दूसर कंपनी का पिलाइएगा ना तो फेंक देता हूँ, खजरा होता है जो वहाँ पे फेंक देता है सर, और जो फेंक ओक देता है समझिएगा उसका दिमाग तेज काम कर रहा है, और कोनो कोनो पैदा इसी बौदा होता है लोल का कुछ और दे दो पी लोग, समझ में आ गया कि नहीं। और कुछ कुछ क्या होता है सर तेज होता है सर यहाँ पे, उसको दूसरा डिजाइन का दीजिएगा ना कहेगा जो जो नहीं दे, 1 महीना से हमका महंगा वाला पिला रहा था भाई तू लेके चलाया यहाँ पर, फेंक देता है सब। जिसका फॉर्मूला नहीं, दाल का कोई फॉर्मूला है, जूस का नहीं,
जो शहद नहीं, ये सब क्या है? मिश्र, जिसका फॉर्मूला नहीं, जिसका फॉर्मूला योगी, फॉर्मूला अकेले घूम रहा है, अकेले घूमा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हारा बाबू इंटर कब पास किए हा? इसी बार, चलो बढ़िया से मन लगा के पढ़ना, आगे बढ़े तब तो यौगिक मिश्रण समझे, समझ में आ गया। इसमें अब आगे बढ़ते हैं, अब तो पहचान ही सकते हैं कि तत्व तो है कि यौगिक है कि मिश्रण है। हम बताइए तो ये क्या है? हा? क्या ये आप बताइए? तत्व, ऑक्सीजन तत्व, कार्बन तत्व, कैल्शियम तत्व, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन गया है? यौगिक, क्या बन गया यौगिक? तत्व तो सही क्या बनते हैं? यौगिक तत्व तो सही यौगिक बनते। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो तत्व तो आप पहचान सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, अकेले टहल रहा है ना तत्व, और यौगिक भी पहचान सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? यौगिक, कुछ फॉर्मूले नहीं पता है, धुआं, धुआं मिश्रण, धुआं चीनी का पाग, हाँ मंचूरियन का ग्रेवी, हाँ जो ना का फॉर्मूला उनमें कुछ नहीं, सब क्या बना दिए मिश्र। अब मंचूरियन में क्या है ना, इतना ना ज्यादा चीज डाल देता है कि उसका फॉर्मूले उधी आ जाता है, नमक ये वो दुनिया, एक को तो करहिया में आग लगा देता है एकदम भयानक उल्टा उल्टा के क्या करता है, आग लगा, जान बूझ के पीटता है, भाग भाग, ताकि चार गो आदमी और देखे कुंची पीटते रहे, धाम धाम, नहीं समझ आया। खैर वो उनकी कला है, वो आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, तो पहचान जाएंगे। चलिए बताइए तो, कार्बन, आज इसका फॉर्मूला नहीं, वो मोबिल, हाँ मोबिल मिश्रण हो जाता है, वो फॉर्मूला और मूला कोई ग्रीस, स्पंज खाने वाला मिश्रण क्या हो जाता है? मिश्रण हो गया, रोटी मिश्रण, दाल चावल चोखा, ये सब चीज मिश्रण, जब दिमाग काम करना छोड़ दे मिश्रण, समझ में आ गया कि नहीं? लड़की जब सोच रही है तब तो हम लोग को सब मिश्रण मारना पड़ेगा, ऐसा कैसे सोचती है? तब तो नहीं बता पाओगी लोग, यौगिक बता लेंगे। लेकिन यौगिक भी दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के? दो, एक जिसमें कार्बन रहेगा उसे कार्बनिक, क्या कहेंगे? कार्बनिक, कार्बन रहेगा तो कार्बनिक, और कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक, कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक। तो इसमें तो सिंपल है पहचान, देखिए ना H2O, कहीं कार्बन, सी फॉर कार्बन दिखा, क्या है? अकार्बनिक, तो ये क्या है? अकार्बन, कार्बन नहीं दिखा तो क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। NaCl अकार्बन, कहाँ कार्बन दिखा? Cl एक के साथ है, क्या ये? अकार्बनिक। सिल्वर ब्रोमाइड अकार्बनिक है कि नहीं? कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक, और कार्बन आ गया तो CO3 कार्बन, CO3 CO2 कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन, SO2 अकार्बन। तो ये कोई बहुत बड़का चीज नहीं है, बिना मतलब निकाल दिया यहाँ पे, कार्बन है तो कार्बनिक, नहीं है तो अकार्बन, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा घूमता है कार्बन, सबसे ज्यादा कौन घूमता है? कार्बन। तो ये देखा जाता है कार्बन के साथ है कि नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? है तो दुनिया में बहुत सारी चीज, लेकिन ये देखा जाता है कार्बन के साथ है कि नहीं है। जैसे भारत में तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, लास्ट में जाके कांग्रेस बीजेपी हो जाता है कि नहीं? बस वैसे ही क्या हो जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? लास्ट में यही दो बड़का बच जाता है। तो कार्बनिक अकार्बनिक नहीं बांट देंगे, देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो पक्का आप कार्बनिक अकार्बनिक बांट देंगे, अब फॉर्मूले याद नहीं है तब ऐसे छटपटाते रहिएगा, जा कौन ची होते है? जैसे ये फिटकिरी का फॉर्मूला है, बताइए कार्बनिक है कि अकार्बनिक? हाँ अकार्बनिक, कैसे पता?
कार्बन मिलवे नहीं किया, कार्बन नहीं मिला, तो दिक्कत क्या है? तो बताइए, यौगिक को दो भाग में बांट के दिमाग को क्या जरूरत है टेंशन देले बिना? हम ऐसे ही नहीं छोड़ दे, जब आएगा तो कार्बन रहेगा तो कार्बन ही, और नहीं रहेगा तो सिंपल हो गया कि नहीं हो गया? कार्बन है तो कार्बन, नहीं है तो इसको बांटा जाए, इसको बांटा जाए, इसको तीन भाग में बांटते हैं, किसमें? तीन भाग, धातु अंग्रेजी में मेटल, अधातु नॉन मेटल, नॉन मेटल उपधातु मेटलॉइड, इसे क्या कहेंगे? मेटलॉइड उपधातु, धातु अधातु उपधातु, धातु अधातु उपधातु, धातु अधातु, धातु से करंट जाएगा, अधातु से नहीं जाएगा, इसमें तनी तनी जाएगा, कैसे जाएगा? तनी तनी जाएगा, किसमें जाएगा? तनी तनी, जैसे आपके मोबाइल को चाहिए तनी तनी करंट, मोबाइल को क्या चाहिए? तनी तनी, पंखा को, फ्रिज, बताइए, ज्यादा करंट गया तो धातु, ज्यादा करंट नहीं गया और धातु, तनी तनी गया, ज्यादा करंट नहीं गया, तनी तनी, हाँ उपधातु, जिसमें ज्यादा करंट चाहिए, जिसमें ज्यादा करंट, उसमें धातु लगाते हैं, उस मशीन को इलेक्ट्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिक, फ्रिज इलेक्ट्रिक, कूलर इलेक्ट्रिक, एसी इलेक्ट्रिक, आटा चक्की इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, चक्की वगैरह, और जिसमें करंट कम चाहिए उसे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक क्या कहेंगे? मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक, टीवी इलेक्ट्रॉनिक, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक, टैबलेट इलेक्ट्रॉनिक, सिम कार्ड इलेक्ट्रॉनिक, सिम कार्ड को एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा सा करंट चाहिए, इसलिए इतनी चुकी बैटरी, इना कि इन्वर्टर वाला से जोड़ के सिम कार्ड वा चला धूम उधी आ जाएगा, अरे सोचो तूने जरा दे लो हमारा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैमरा का बैटरी देखेंगे ना एकदम छोटा सा होता है, टीवी को बहुत कम करंट की जरूरत होती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टीवी को बहुत कम करंट की जरूरत है, इसलिए देखिएगा लोग इन्वर्टर पर भी टीवी चला देते हैं, आता नहीं सुने हैं किसी के इन्वर्टर पर एसी चला रहे हैं, इन्वर्टर पर प्रेस चला रहे हैं, फ्रिज इन्वर्टर पर चला दें बैठ जाएगा इन्वर्टर में, यहाँ पे नहीं समझ में आया, हाँ जाएगा नहीं इन्वर्टर कहेगा सोचो बैकअप में चला रहा है हमारा, ऐसा ऐसा करेगा हम, आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक में तो समझ में आ गया, तनी तनी करेंट, हुमच के करेंट, करेंट जेबे नहीं करेगा तो अधातु, क्या हो गया? अधातु, तो बताइए धातु से करेंट, धाक से, अधातु से ना नहीं जाएगा, और उपधातु से तनी, उपधातु से तनी 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 जाएगा हम, जैसे लोहा धातु, लोहा लोहा धातु है इसे जाएगा, ऑक्सीजन अधातु, ऑक्सीजन से करंट जाएगा, अरे ठीक हुआ नहीं जाएगा, हवा में ऑक्सीजन घूम रहा है, पता जो ट्रांसफार्मर में से टकरा के आया मुंह पे मार दिया करंट, जा जा चलिए, ऑक्सीजन तत्व है कि नहीं है? है, लोहा तत्व है, तो तत्व तो दोनों है, लेकिन एकरा में करंट जाएगा आ इसमें नहीं, सिलिकॉन, सिलिकॉन तनी तनी करंट जाएगा, सिम कार्ड के पिछवा देखिएगा पीला पीला रहता है सिलिकॉन, समझ में गया? मेमोरी कार्ड में सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में करंट तनी तनी जाता है, थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन में करंट जाता है, ज्यादा करंट नहीं जाने देता है, ज्यादा जाने ही नहीं देगा, ज्यादा जाएगा तो उड़ जाएगा, इसलिए मोबाइल चार्जर में देखिएगा ना तो एगो खोपड़िया होता है, एगो तो डाटा केबल हो गया, एगो खोपड़िया होता है, खोपड़िया ज्यादा करंट लेता है और तनी सा मोबाइलवा को भेजता है, इना कि खोपड़िया फेंक के और तार ऐसे कर दे नहीं बिजली में खोज दे ले आ माचिस के तिल्ली से होकर रोक दिए टनाक का मोबाइल आ जा धा है मारेगा कुल सिलिकॉनों का उधी आ जाएगा यहाँ पे मोबाइल धुआं फेंक देगा यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो तनी तनी करेंट उपधात तनी तनी करेंट हुमाच के करेंट हाँ धातु एल्युमिनियम एल्युमिनियम चांदी सोना धातु कॉपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर अधातु तो आप धीरे धीरे सबका पढ़ते चलेंगे आप इस सबको तो आप देखे हुए हैं तो आराम से बता देते हैं सिलिकॉन
उप सिलिकॉन उप धातु, तो कितना सिंपल है, नहीं सिंपल है। अब इसको देखिए कैसे टॉप बनाया जाता है। ऐसा ससुरा इसका नाम रखा सब कि विद्यार्थी सबको पढ़ने में दिक्कत होता है, कहा सब इसमें करंट चला जाता है तो चालक, ए ससुरा तो नहीं चल गया तो चाल, नहीं जाता है कुचालक, कुचालक जाता है तनी तनी अर्ध चालक, तनी तनी तो अर्ध चालक। ससुरा हिंदी मीडियम की सबसे घोर समस्या एक के चीज को चार गो नाम है, समझ में, जैसे अंग्रेजी में ना लेग, हिंदी में ला गोड़ पैर टंगरी, नहीं समझे, वो पढ़ के चल गया ब्रेन, हम दिमाग मस्तिष्क भेजा, समझ में आ गया कि नहीं आप लोग, नहीं समझ में। लड़कों के खोपड़ी में पाए जाने वाले पदार्थ को दिमाग भेजा कहा है, हल्ला नहीं करो। धातु, धातु क्या होता है, चालक, अधातु कुचाल, उपधातु अर्धचाल, अर्धचालक माने तनी तनी, सिलिकॉन अर्धचाल, सिलिकॉन अर्धचालक, इसे उपधातु भी कह सकते, समझ में आ गया, ऑक्सीजन कुचाल जाएगा नहीं। अब देखिए एक और नौटंकी, संधि विच्छेद करके और करेगा अचालक, ये पागल ना कर देगा यहाँ पे, अचालक कुचालक नहीं, अचालक कुचालक कहले यहाँ पे, हाँ एक नाम रखेगा सुचालक, हाँ सुचालक क्या नाम रखेगा, सुचालक, बताइए ये खचरा ही है कि नहीं, अन्याय है ये हिंदी मीडियम वालों के साथ। अरे वो चालक कह रहा था तो क्या दिक्कत था, ऑइट के जैसे हम आपसे कहें शांत, सबको समझ में आएगा शांत, ओकरा ऑइट के बोलेगा प्रशांत, मतलब वह दोनों का सेम है, लेकिन उसको ऑइट के रद्द कर देता है, तो बताइए सुचालक अचालक कुचालक चालक अर्धचालक, बेचारा लड़का हिंदी मीडियम वाले का उसका सारे चीज पे ध्यान चल जाएगा, इस पे से ध्यान हट जाएगा, वो बेचारा पगला गया, चालक सुचालक कुचालक अचालक अर्धचालक, बाद में पढ़ क्या रहे थे, हिंदी या फिजिक्स, संधि विच्छेद में चल गया वहां पे, नहीं समझे। तो कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, सिलेबस चेंज करने से नहीं हो सकता, बल्कि इसमें कुछ सरकार को कमजोर विद्यार्थियों का एक आयोग बनाना चाहिए, और वो जो सुझाव दे समझा उसमें बहुत बारीकी से सोचना चाहिए, आप सही बता रहे हैं, एक मरीज बता सकता है कि क्या तकलीफ होता है, डॉक्टर तो बस फील कर सकता है, लेकिन उसने जिया है उस तकलीफ को, यहां नहीं समझे। हम लोग अपने 40 लड़कों के विद्यार्थी में 37वें नंबर पे आते थे, इसलिए हमें पूरा पता है अच्छे से कि क्या क्या आपको तकलीफ है, इसलिए देखिएगा गांव से लड़का आएगा, पहले सामान रखेगा लॉज में और के बाद यहाँ एडमिशन करा लेगा, कहेगा अब हो गई लो गंगोत्री, अब बाबा पार लगाई दी तो मोक्ष मिल जाता है, किसी को दिक्कत नहीं ना। खैर हम आप लोग की फीलिंग समझते हैं, ये समस्या सब लोग आप लोग को फील होता है कि नहीं, क्या जरूरत है सोचो अचालक से सुचालक, यहाँ पे खत्म ना कर दो, प्रतिबंध लगा दो इस पे, कोई किताब इसका नाम नहीं लिख सकता यार, प्रतिबंध लगा दो, लड़का सबको सोचो अचालक कुचालक सुचालक नौटंकी, अच्छा उसके जांच करने वाले कॉपी ऐसे ही होते हैं, अरे हरसई की जगह दीर्घ ही लगा दिया है, ऐसे करेगा सर, अगर ऐसे कार्य लिख दिए ना कार्य, तो कई को कहेगा ओहो ये लड़का शुद्ध हिंदी नहीं लिखता, ये यहाँ रहना चाहिए यहाँ पे ना, कुतुब मीनार बना रहे हैं ना आपके, बनाएंगे यहाँ पे कुतुब मीनार बना रहे हैं, आए गो ये रो बहुत खचरा है, कब ऊपर चढ़ जाता प्रश्न में ऐसे हो जाता है, अरे इसका तो अपना खुद का जगह ठीक नहीं है, प्रश्न में देखना ऐसे मार देता, हृदय में ऐसे घुस जाता है हृदय यहाँ पे, नहीं समझ उस जगह अपन जगह ही ठीक नहीं, जहां तहां भागते रहता है यहाँ पे, अंग्रेजी में देखो एस ऐसे, मतलब अगर एस लिखना है तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, अब कभी ऐसे लिख देगा, लेकिन ये खचरा इन्ने उन्ने घूमते रहता है, समझ में आ गया कि नहीं, पहले इसी का जगह ठीक नहीं है, चलिए इतना समझ में आ गया कि नहीं, अब कल और डिटेल से बताएंगे, ठीक है।